नमस्कार दोस्तों, भूवी ऑर्गेनिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि वाली वीडियो में कि अगली वीडियो में हम दिखाएंगे आपको जो भूवी ऑर्गेनिक्स का देसी काऊ प्रोजेक्ट है, उसमें कौन कौन सी गायें हैं और कितनी गायें हैं अभी हमारे पास में, क्या हमारी गायों को जो है हम चारा वगैरह खिलाते हैं और किस कंडीशन में जो है हमारी गायें रखी जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास एक ये गाय है जो कांकरेज नस्ल की है, दूसरी इसके साथ में जो गायें खड़ी हैं ये हरियाणवी नस्ल की गायें हैं, इसके साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये गिर नस्ल की गायें हैं, इसके साथ में एक कांकरेज नस्ल की गायें आप उधर सामने देख रहे हैं, और एक गिर जो है आप ये जो है गिर गायें हैं जो अभी हमारी गौशाला में इसमें जो है आई है, तो ये गिर गायें हैं। तो टोटल जो है 5 गायें अभी जो है हमारे पास में है, ये 2 बछड़े हैं, एक बछड़ा है, गिर गाय का एक बछिया है। तो ये हमारी जो है गौशाला में अभी 5 गायें जो हैं इसमें ऐड हो चुकी हैं और धीरे धीरे जो है इनकी संख्या जो है हम बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप कहीं से भी दूध ले रहे हैं, देसी गाय का दूध ले रहे हैं कुछ भी, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप गौशाला विजिट जरूर करें, जिससे कि आपको जो है पता चले कि जो दूध आपके घर आ रहा है वो देसी गाय का है भी या नहीं। इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताएंगे देसी गाय की पहचान किस तरीके से की जाती है, कैसे हमें पता चले कि जो गायें हम देख रहे हैं वो देसी है या नहीं है। तो वीडियो में मेरे साथ तक बने रहिएगा, काफ़ी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस पर आपको गायों से रिलेटेड या ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। तो दोस्तों, ये बताते हैं कि गायें देसी गाय की पहचान जो है वो कैसी होती है, किस तरीके से देसी गाय की हम पहचान करेंगे। दोस्तों, देसी गाय की पहचान करने के लिए हमें देखना होता है सबसे पहले जो ये हंप होता है, इसको थुई भी बोलते हैं, डांट भी बोलते हैं। तो जितना क्लियर और जितना ऊंचा ये हंप गाय का रहेगा, यानी कि उतनी ही प्योर वो देसी गाय हमारी है। इसके बाद में दूसरे इसके पहचान का तरीका होता है ये जो इसकी गलकंबल होता है, ये नीचे की गले के नीचे की जो इसकी खाल होती है आप देख रहे हैं, तो ये केवल एक हरियाणवी गाय को थोड़ी कम मिलेगी, नहीं तो जितनी देसी गायें होती हैं ये गिर है जैसे कि या फिर साहिवाल है, उनमें ये पूरा जो है गलकंबल होना चाहिए, तो ये देसी गाय की पहचान होती है। तीसरी पहचान के लिए हम देखते हैं इसकी जो ये नाभि होती है, तो ये नाभि आप देख रहे हैं ये क्या होता है, ये केवल हरियाणवी गाय में थोड़ा कम होता है, बाकी सारी गायों में नाभि आपको अच्छी मिलती है। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि देसी गाय के दूध में हल्का सा पीलापन हमें दिखता है, वो किस वजह से आता है। दोस्तों, ये जो हंप देसी गाय का होता है इसमें सूर्य केतु नाड़ी होती है, सूर्य केतु नाड़ी का मतलब है जो सूरज से एनर्जी अब्सॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो है इसके दूध में स्वर्ण कण मिलते हैं और जो है उसका पीलापन जो है दूध में आता है। और हमारी दोस्तों आप देख रहे हैं जितनी भी हमारे यहाँ पे गायें हैं ये सारी बिल्कुल शांत स्वभाव की गायें हैं, इन्हें बिल्कुल बहुत अच्छा जो वातावरण है यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि देसी गायें बहुत ज़्यादा इमोशनल गायें होती है। जो लोग देसी गाय पालते हो जानते होंगे कि अगर आपने एक दिन देसी गाय को एक टाइम पे मार दिया, पीट दिया, तो वो चारा तक नहीं खाएगी, इतनी इमोशनल होती है। तो जितने प्यार से आप जो है इनके साथ में रहोगे उतने प्यार से जो है ये आपके साथ में रहेंगी, जैसा भोजन आप इन्हें दोगे उस तरीके की क्वालिटी इनके दूध में मिलेंगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और भी है, हम जितने भी हमारे पास में अभी ये 5 गायें हैं आप देख सकते हैं, हमने कोई भी यहाँ पे वर्कर नहीं रखा हुआ है अभी तक, हम जो है खुद इनका सारा पालन पोषण करते हैं, क्योंकि एक आदमी जो मतलब हम किस सेवा भाव से इनका कर सकते हैं उससे कोई वर्कर नहीं कर सकता, इसलिए हमने जो है यहाँ पे कोई भी वर्कर हमने नहीं रखा है। हमारे घर के लोग ही केवल इन गायों का चाहे दूध निकालना, नहलाना, धुलाना, चारा करना सब हम खुद जो है अपना करते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अपने गायों को चारा खिलाते हैं, क्या क्या आयुर्वेदिक हर्ब जो है हम इन्हें देते हैं, जिसकी वजह से इनके दूध की पौष्टिकता जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस मौसम में जो गायों को खिलाने के लिए सबसे अच्छा चारा होता है वो हरा चारा होता है, जिसमें ज्वार, मक्का वगैरह होती है, तो वो हमारे फार्म में है, वो भी अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। और दूसरा ये होता है गेहूं का भूस जो गायों को इस टाइम खिलाया जाता है। दोस्तों, भूस में भी क्या होता है कि कुछ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो उसको क्लियर करने के लिए मशीन हमने रखी हुई है गायों के लिए, जिससे हम भूस को साफ़ करते हैं। अब ये मशीन किस तरीके से काम करती है, जैसे हमने इसमें ये भूस डाला हुआ है आपको हम दिखाएंगे, और ये मशीन इस तरीके से चलती है, तो इसमें क्या होगा, जितनी भी धूल मिट्टी रेत डस्ट और इम्प्योरिटी भूस की होंगी वो सारी निकल जाएगी, और जो हमारा एक अच्छी क्वालिटी का भूस है वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, तो जिससे कि गाय का डाइजेशन अच्छा रहे, गाय का पेट अच्छा रहे, धूल मिट्टी जो है गाय के पेट में ना जाए, तो उसके लिए ये मशीन जो है स्पेशली हमने बनवाई हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी धूल मिट्टी और ये सब चीज़ जो है इम्प्योरिटीज जो है वो निकलती है इसमें से, इसके अलावा प्योर भूस जो है
यहाँ पे हमारे इकट्ठा हो जाता है जो हम फिर आगे गायों को खिलाते हैं। ये जो कमरा है ये स्पेशली हमारे गाय के खाने के लिए ही है। इसमें हम आपको अब दिखाते हैं कि क्या क्या हम अपने गायों को और खिलाते हैं। दोस्तों ये बूर है जो हमारे अपने ऑर्गेनिक गेहूँ जो हम अपने उगाते हैं उसी से हम इसे तैयार करवाते हैं। तो ये जो बूर है जो गायों को जो है खिलाया जाता है। इसके अलावा ये बिनोले की खल है। अगर जो गांव के लोग हैं वो जानते होंगे कि बिनोले की खल जो होती है वो कितनी अच्छी होती है गायों के लिए। तो ये बिनोले की खल है। ये सरसों की खल है दोस्तों, जो कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स का आपने नाम सुना होगा, वहाँ से आती है हमारे पास। जो नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स जो तेल निकालती है वहाँ से जो उनकी ऑर्गेनिक खल होती है वो हम ये लेते हैं। ये चने का छिलका है जो कि ये भी जो है हम ऑर्गेनिक की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है मिल जाए। जहाँ पे चने रोस्ट किए जाते हैं वहाँ से या कहीं से भी हम कॉन्टैक्ट करके इसे अवेलेबल कराते हैं, तो चने का छिलका है। इसके अलावा ये दलिया जो है हम बनाए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी ये पतीला जो है ये हम एल्युमिनियम वगैरह यूज़ नहीं करते, पीतल का हमारा ये पतीला है जिसमें गाय के लिए दलिया ये बनाया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेदिक हर्ब्स जो है हम क्या क्या खिलाते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रखा हुआ है अश्वगंधा और इसके साथ में रखा हुआ है ये सतावर। ये भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है सारा। हर हफ्ते में एक बार हम 100-100 ग्राम जो है ये दोनों चीज़ अपनी गायों को देते हैं। 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम जो है सतावर जो है हर हफ्ते में एक बार देते हैं। इसके अलावा जो तेल हम जो है अपनी गायों को देते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस ऑयल प्रोसेसिंग ट्रेडिशनल वुडन घानी USDA इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट इस पे लगा मिलेगा। तो ऑर्गेनिक पहले हम नॉर्मल तेल देते थे लेकिन जब हमने ऑर्गेनिक तेल देना शुरू करा तो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है हमें मिला। इसके बाद में क्या है कि हमने ये आप देख रहे हैं नेचरलैंड ऑर्गेनिक राजस्थान से जो है बल्क में हमने ये तेल जो है मंगवा के निकाल के रखा हुआ है। इसमें से हमने थोड़ा तेल आप देख सकते हैं इसका कलर सरसों के तेल का कितना डार्क है। तो ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल हमने फिर बल्क में नेचरलैंड ऑर्गेनिक से मंगवाया है जो हम अपनी गायों को पिलाते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों जो खाने पीने से ही सारी चीज़ें जो होती हैं, तो हम जब खाना अच्छा देते हैं तो हमारे गायें स्वस्थ रहती हैं। वैसे देसी गायों को जो है बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपने आप को खुद मेंटेन कर लेती हैं। अभी जैसे गर्मी आ रही है तो मैंने आपको सूर्य केतु नाड़ी के बारे में बताया था, तो वो क्या करते हैं दोस्तों वो सूर्य से जो सूर्य किरणें जो होती हैं सूरज की उन्हें अब्जॉर्ब करती है, उससे अपनी बॉडी को मेंटेन करती है और गर्मी में 40-45 डिग्री टेम्परेचर तक भी देसी गाय आराम से रह सकती है। तो अगर आप देसी गायें पालना चाहते हैं तो केवल इन्हें आप जितने प्यार से रखेंगे उतना ही जो है ये अच्छा आपको जो है दूध देंगी, उतनी अच्छी दूध की क्वालिटी बढ़ेगी। जितना अच्छा खाना खिलाएंगे उतना अच्छे दूध की क्वालिटी बढ़ेगी। कुछ लोग हमसे पूछते थे कि हमारी घी का रेट इतना हाई क्यों है। दोस्तों सारी चीज़ें जब हम ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कॉस्टिंग भी इसमें जो है काफ़ी बढ़ जाती है जिसकी और दूध में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं और घी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं, तो इसलिए घी का रेट जो है हमारा थोड़ा सा उसका इतने रुपये तक पहुँच जाता है। मिट्टी की हांडी आप देख रहे हैं ये हम अपने दूध की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो क्योंकि मिट्टी की हांडी है फूट सकते हैं इसलिए हम एडवांस में जो है ला कर रखते हैं। ये भी हम जो है अच्छी जगह से खरीदते हैं जहाँ पे जो है शुद्ध मिट्टी से ये सब चीज़ बनाए जाए। तो दोस्तों आपने पूरा प्रोजेक्ट देखा, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारी सारी गायें वगैरह ये सब चीज़ आप देख चुके हैं। अब हम जो है अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि भूवी ऑर्गेनिक्स का जो बिलोना घी तैयार किया जाता है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है बिलोना घी का वो सब आपको दिखाएंगे। तो हमारी अगली वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों फिर से कह रहा हूँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस तरीके की और भी वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी।